आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मीडिया नेविगेशन वर्जन 1.0.13.1 और 1.0.13.2 इन दोनों में रियर कैमरा को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो आपका अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ आप सीधे माई अकाउंट पे जाइए और ये आपको माई अकाउंट पेज पे रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है तो मैं उस अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर को ख़रीदने के लिए हमें शुरुआत यहाँ से ऐसे करनी होती है। तो हम अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पे हैं, यहाँ देखेंगे कि हमारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ऑर्डर्स की अगर हम ऑर्डर्स ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ जितने भी हमने ऑर्डर किए होंगे उनकी डिटेल होगी। और तीसरा यहाँ पे डाउनलोड्स, अगर कोई भी आप डिजिटल प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं तो डाउनलोड्स में उसकी डिटेल मौजूद होगी। क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी डाउनलोड सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो हमें ख़रीदना पड़ेगा। तो ख़रीदने के लिए हम चूज़ करते हैं आज 1.0.13.1 एंड 1.0.13.2। ये हम प्रोडक्ट पेज पे आ गए। यहाँ वीडियो वगैरह मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है और पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। तो इसको ख़रीदने के लिए सिर्फ हमें ऐड टू कार्ट में जाना है और ऐड टू कार्ड में जाने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपका एड्रेस ही मांगेगा अगर आपने नहीं भरा है, और अगर आपने ऑलरेडी फुलफिल किया हुआ है तो सीधे आप प्लेस ऑर्डर पे जा सकते हैं। यहाँ से आप सीधा पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं पेमेंट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि अपने अकाउंट से इस सॉफ्टवेयर को कितनी इजीली हम डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप जिस ऑप्शन से पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे SBI का ऑप्शन डाल देता हूँ। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो जाएगी आप अपने अकाउंट में वापस रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां आप देखेंगे कि वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का। तो डाउनलोड्स में मैं चलता हूं। ये देखिए यहां पे मुझे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ से मैं फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ। ये फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है, ये आ गई है यहाँ पर। इसे कॉपी करता हूँ, इस फाइल को मुझे अनजिप करना पड़ेगा। तो मेरे पास 7 GB पहले से मेरे लैपटॉप में मौजूद है, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर, जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट हियर करता हूँ आप देखेंगे यहाँ ये एक नया फोल्डर आ गया है। इस फोल्डर के अंदर 4 फाइल आपको मिलेंगी। तो ये चारों फाइल एक पेन ड्राइव में मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने अकाउंट में जो पास की है उसको पढ़ लेता हूँ और चलता हूँ अपने मीडिया नेविगेशन के पास एक्टिवेट करने के लिए। पहले चेक करते हैं वर्जन, सिस्टम का वर्जन कौन सा है। तो यहाँ ये वर्जन हमने चेक कर लिया और अब हम पेन ड्राइव इसमें लगा देंगे जिसमें हम 4 फाइल लेके आए हैं। इस पेन ड्राइव को मैं सिस्टम में लगा देता हूँ। जैसे ही मैं पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाऊंगा मैसेज देगा नो फाइल फाउंड।
नो मीडिया फाइल फाउंड, ओके दबा देंगे। उसके बाद 5, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से स्क्रीन टच करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद 4 अंकों की पहली पास की डालनी है और एक बार ओके दबाने के बाद उसको मिटा देना है। उसके बाद दूसरी 4 अंकों की पास की डाल के हम माइकोम मेनू में आ जाएंगे। माइकोम मेनू में आने के बाद माइकोम टेस्ट नाम का इस बटन को हम दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ नीचे RVC ऑफ लिखा होगा यहाँ पे, तो आपको इसे RVC में कन्वर्ट कर देना है एक बार प्रेस करके, सिर्फ एक बार प्रेस करना है। उसके बाद इस वाले हार्ड रीसेट बटन को एक बार दबा देना है, हार्ड रीसेट को एक बार प्रेस कर देंगे, हमारा सिस्टम अपने आप बंद होगा और स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा रियर कैमरा एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा रियर कैमरा जो है वो रियर व्यू कैमरा ऑन ऑफ